हेलो स्टूडेंट, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के न्यूरो एंड एंडोकाइन रेगुलेशन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेल हार्मोन्स होते हैं। मेल हार्मोन्स आर गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसे GnRH भी बोल सकते हैं। दूसरा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और तीसरा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन सबको जानने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का डायग्राम बना रखा है, फिगर 3 क्रॉस सेक्शन। इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर एक बेसमेंट, सेमिनिफेरस ट्यूबुल का बेसमेंट लेयर है ये। दिस इज द बेसमेंट लेयर। इसके अंदर बेसमेंट लेयर के बाद यहाँ पे सर्टोली सेल्स, मीन्स ये जो बेसमेंट लेयर की सेल्स जो होती है एपिथीलियल सेल्स, इसके अंदर ये लंबी और लॉन्ग जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड द सर्टोली सेल्स। दीज आर द स्पर्मेट्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान इसके अंदर बनते हैं। दीज आर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटोगोनिया जो बीच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टीशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। तो इनका फंक्शन अगर हम देखेंगे तो दिस लीडिंग सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, इनके अंदर हार्मोन्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स की बात करें तो गोनाडोट्रॉफिक जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस से निकलता है, और हाइपोथैलेमस जो होता है ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी को वो स्टिमुलेट करता है, और इसके द्वारा इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो हमारे दो अलग हार्मोन्स हैं उनको ये रिलीज करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, ये एक तरह का एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो सर्टोली सेल्स पे काम करता है ना, और उसको ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करता है। LH हार्मोन जो है वो एक्चुअल सिंथेसिस करता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन का सबसे नाम जो है, दिस इज द मेल हार्मोन, एक्चुअल मेन हार्मोन। दिस इज रिलीज फ्रॉम द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट आते हैं, ये पूरा डायग्राम है जो भी हमने इसको समझा, ये एक लाइन डायग्राम की तरफ से हम समझ सकते हैं, फ्लो चार्ट है। सबसे पहले दिस इज द हाइपोथैलेमस, दिस इज द हाइपोथैलेमस, then this is gonadotrophic secretion, hypothalamus gonadotrophic secretion hormones को release करता है। ये pituitary hormone पे effect करता है, और कौन से part पे, pituitary के anterior part पे। anterior part जो है दो hormone release करता है FSH and LH। ये hypothalamus gonadotropin releasing hormone, this is the releasing hormone, and FSH and LH are the stimulating hormone, follicle stimulating hormone. LH is also a stimulating hormone. There is a difference between the releasing hormone and the stimulating hormone. FSH जो है, FSH secretion जो है वो Sertoli cells पे काम करता है, जो हमने पहले study किया कि Sertoli cells are present on the basement membrane of the seminiferous tubules. LH secretion leading cells, जो interstitial cells होते हैं in between the seminiferous tubules, वहाँ पे present होते हैं और ये release करते हैं testosterone secretion, testosterone hormone का secretion ये करते हैं। Sertoli cells को अगर हम देखें तो ये दो चीजों पे काम करते हैं। Sertoli cells spermatogenesis की process को initiate करता है, Sertoli cells spermatogenesis की process को initiate करता है in the presence of FSH stimulating hormone या follicle stimulating hormone, और ये एक और दूसरा काम करता है, एक और hormone secrete करता है, this is called as inhibit hormone, और inhibit hormone जो है वो एक negative effect देता है FSH पे, कैसे, interior pituitary, जब जब FSH की मात्रा ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है तो एक negative feedback देता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ द FSH को रोकने के लिए। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन जो लीडिंग सेल्स करते हैं उनके भी वेरियस टारगेट टिश्यूज होते हैं, कहाँ पर, इनके अंदर मेंटेनेंस ऑफ द एसेसरी रिप्रोडक्ट ऑर्गन जो हमने पहले पढ़े थे,
और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो है वो भी टेस्टोस्टेरोन ही मेंटेन करता है। दूसरे इसके अंदर सेक्स ड्राइव, प्रोटीन सिंथेसिस इन द स्केलेटन मसल्स एंड बोन ग्रोथ इन एडोलेंस, दीज आर द फंक्शन ऑफ द FSH and LH, and LH release testosterone. Next is the actual production and function of these hormones. जैसे कि हमने पढ़ लिया gonadotropin releasing hormone. This gonadotropin releasing hormone mainly made in the preoptic area of the hypothalamus. बताया आपको before traveling to the pituitary gland, these stimulate the synthesis and secretion of FSH and luteinizing hormone. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम होता है, इज रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी इन प्रेजेंस ऑफ मेल इज नेसेसरी फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का मैच्योरेशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट बोथ द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाय द सर्टोली सेल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर, इंक्रीज इन द लेवल और FSH production of spermatozoa by preventing the apoptosis by the type A spermatogonia. Luteinizing hormone का क्या function होता है, anterior pituitary से निकलता है, LH binding receptor इसके ऊपर present होते हैं और जो stimulate करते हैं synthesis and the secretion of the testosterone. Next आते हैं हम the main hormone testosterone, उसका एडोलेसेंस स्टेज पे और बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी उसके अंदर क्या इसका फंक्शन होता है। टेस्टोस्टेरोन इंटरस्टीशियल सेल से रिलीज होता है और इसके अंदर स्टिमुलेट द सेक्स ड्राइव और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन इन द लेवल इनफ टू इनिशिएट द मेंटेन द स्पर्मेटोसोस। ब्लड के अंदर 20-50% हायर हो जाता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन इन द टेस्टिस इज इनिशिएटेड बाय द FSH एंड टेस्टोस्टेरोन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है जो कि प्राइमरी एंड्रोजन है। दिस टेस्टोस्टेरोन इज ए प्राइमरी एंड्रोजन और ये मेंटेन करता है बॉयज के अंदर या मेल के अंदर मस्कुलाइन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है बॉय को मैनहुड तक लाता है और उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स, ग्रोथ ऑफ द फेशियल एंड बॉडी हेयर्स, लोवरिंग ऑफ द वॉइस, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन द मसल मास एंड ग्रोथ ऑफ द एडम एपल। अगर टेस्टोस्टेरोन का दिस इज द बॉय टू मैनहुड एंड आफ्टर प्यूबर्टी तक ही ये लिमिटेड नहीं होता है या प्यूबर्टी तक काम नहीं करता, ये अडल्टहुड तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है इस हार्मोन की टू मेंटेन द लिबिडो, स्पर्म प्रोडक्शन, रेगुलर स्पर्म प्रोडक्शन एंड मेंटेन मसल स्ट्रेंथ एंड द मास और प्रमोटिंग हेल्थ बोन डेंसिटी। इसके बाद आता है एक फीडबैक जो हार्मोन होता है, दिस इज कॉल्ड एज inhibit hormone secreted by the Sertoli cells act to decrease the level of FSH. FSH level को decrease करता है या maintain करता है, उसके secretion को regulate करता है और this hormone is released in the circulation when the sperm count is too high, means FSH के production को कम कर देगा। Next आते हैं, this slide is for the revision only. इसके अंदर तीन हार्मोन्स हमने दिखाए, टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिशन एंड एस्ट्राडियोल। दिस जैसे कि हम जान ही गए, टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम द लीडिंग सेल्स और रेगुलेट करता है पिट्यूटरी के लीडिंग सेल, पिट्यूटरी स्टिमुलेट बाय द पिट्यूटरी एंड कहां पे एक्शन होता है उसका, लीडिंग सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसका फंक्शन है द एक्शन हार्मोन कंट्रोल to maintain the growth and function of the reproductive organ, to enhance libido and essential for the spermatogenesis. So testosterone spermatogenesis ke liye avashyak hai. Inhibin Sertoli cells produce karti hai
और ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्शन भी करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हाइपोथैलेमस से एफएसएच सिक्रीशन होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड विच स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स। और इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट सिक्रीशन फॉर ऑफ फर्दर एफएसएच फ्रॉम द पिट्यूटरी। एफएसएच के रेगुलेशन एफएसएच को रेगुलेट करता है। इसके बाद आता है एस्ट्राडियोल। इसके बारे में हमने डिटेल में यहीं पर पढ़ रहे हैं। दिस इज द एक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स और इसका भी सेम फंक्शन एज ए इनहिबिशन है। और इसका मेन फंक्शन अगर हम देखें तो इसको होता है मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट अपोप्टोसिस ऑफ द मेल जर्म सेल। अपोप्टोसिस मींस होता है द सेल्फ डेथ और सुसाइड। तो अब सेल जर्म सेल्स मेल्स जर्म सेल्स के सुसाइड को ये रोकता है। दीज आर द रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन एंडोक्राइन मेल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द मेल। थैंक यू।